आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल बिहार स्टाइल चिकन करी की रेसिपी। इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगी चिकन करी खाने में। और बिहार की फेमस चिकन करी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। तो ऑयल को अच्छे से धुआं निकलने तक गरम हो जाने देंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने। फिर इसमें हम एक हरी इलायची और एक लौंग डाल देंगे। फिर इसमें हम चिकन को अच्छे से धोकर इसमें डाल देंगे सावधानी से, ताकि ऑयल के छींटे ना आए। तो पहले हम चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, पहले चिकन को हम इस तरह मिक्स कर देंगे ऑयल में और इसको हम पहले फ्राई करके निकालेंगे। तो चिकन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और चिकन से ऑयल ना निकलने लगे। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसी तरह चलाते हुए हमें चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, चिकन का कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और इसमें ऑयल भी निकल चुका है। जो चिकन का ऑयल था वो भी अच्छे से निकल चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, आप इसमें चाहे तो हल्दी पाउडर डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, उससे इसका कलर भी अच्छा दिखता है, लेकिन मैं हल्दी पाउडर नहीं डाल रही हूँ। तो चिकन फ्राई हो चुका है, ये देखिए, इसके ऊपर हल्के हल्के से गोल्डन कलर की लेयर भी दिख रही थी, तो मैंने इसको निकाल लिया। फिर इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो जो खड़े मसाले आपको डालने हैं वो डाल सकते हैं, जो नहीं डालने हैं उसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे एक तेज़पत्ता, दो साबुत लहसुन और दो सूखे लाल मिर्च। तो इन सबको हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज के प्याज को। इस तरह लंबे कटे हुए प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो प्याज का कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है, देख सकते हैं, तले में चिपक रही है। तब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को ग्रेट करके। इसमें ग्रेट करके ही डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बिहारी चिकन करी में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो दिल खोल के लहसुन डालें, तभी बिहारी चिकन का असली स्वाद आएगा आपको। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च को भी इसी तरह चलाते हुए हमें भूनना है, ताकि इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए। फिर इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे एक चम्मच, धनिया पाउडर डाल देंगे और मसाले को मिला देंगे। मसाले को मिला के हमें हल्का सा भून लेना है। तो ये देखिए, मसाले जल रहे हैं, तो इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे नमक। तो मैं एक ही बार नमक डाल दे रही हूँ, ताकि जो हमारे प्याज हैं वो अच्छे से गल भी जाए। तो ये देखिए, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत के हिसाब से और नमक का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि मसाले हमारे जल रहे थे। पानी डालने से मसाले जलेंगे भी नहीं और इसकी एक बहुत अच्छी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए, पानी डालने से मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, तेल भी ऊपर दिख रहे हैं और ये जले भी नहीं, और कितनी अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। फिर इसमें हम डाल देंगे चिकन मसाला पाउडर डाल देंगे 2 छोटी चम्मच। चिकन मसाला पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ मसाले होते हैं जो चिकन का टेस्ट 2 गुना कर देता है। तो चिकन मसाला आप ज़रूर इसमें डालें, रेडीमेड डालें, उससे ही टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, मसाले तैयार हैं। तो हम इसमें फ्राई किए हुए चिकन को डाल देंगे। चिकन को पकने में समय नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने इसे पहले फ्राई करके निकाल लिया है। तो चिकन को हमें अच्छे से मसालों में कोट कर 3 से 4 मिनट तक इसी तरह भून लेना है। तो अच्छे से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं आप। हल्के हाथों से भूनें, क्योंकि पहले हमने चिकन को फ्राई कर लिया है, तो अगर ज़्यादा प्रेस करके इसको आप चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से पानी। आपको चिकन में जितना ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रोटी के साथ खानी है तो पानी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि पहले हमने चिकन को फ्राई कर लिया है तो चिकन को पकने में समय नहीं लगेगा। तो पानी का इस्तेमाल कम करें, और ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो पानी का इस्तेमाल 1 गिलास करें। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला को मिक्स कर देंगे, लास्ट में गरम मसाला पाउडर डालें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा।
और कवर करके हमें इसे 10 मिनट तक पकाना है। तो पैन को कवर करके 10 मिनट तक पका लिया है मैंने, ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए, देख सकते हैं आप चिकन के ऊपर कितनी अच्छी एक ऑयल की लेयर दिख रही है आपको, काफ़ी अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। और ये हमारा चिकन करी बन के तैयार हो चुका है, जिसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे, मिक्स कर देंगे। और ये देखिए ग्रेवी इतनी है, लेकिन ठंडी होने के बाद ग्रेवी और थिक हो जाती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चिकन काफ़ी अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं आप। ये हमारा बिहारी स्टाइल चिकन करी बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए थोड़ी ठंडी होने के बाद देख सकते हैं आप, चिकन की ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो चिकन को कर लेते हैं एक प्लेट में सर्व, और इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और जब आप इसके साथ लहसुन को खाइएगा तो बहुत अच्छी लगेगी। बिहार की फेमस चिकन करी की रेसिपी में लहसुन तो बहुत ज़रूरी है, उसमें लहसुन एक खास रोल करती है। तो जाइए फटाफट इस चिकन करी को बनाइए, खुद खाइए, फैमिली को खिलाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।